हेलो नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास ट्वेल्थ हिंदी अध्याय दूसरा, यानी कि आपके दिगंत भाग टू के अध्याय दूसरा, उसने कहा था, जिसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखे हैं, उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। चलिए उससे पहले थोड़ा सा हम लेखक परिचय के विषय में जान लेते हैं। तो लेखक में क्या है, इसका जो है उसने कहा था, उसका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, और इसका जो जन्म है ये 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। जयपुर राजस्थान में उसका जन्म हुआ था, जयपुर राजस्थान में इसका जन्म हुआ था। और इसके पिता का नाम था शिवराम, इसके पिताजी का नाम था पंडित शिवराम। और यह जो है एक क्या है, कहानी है, यह क्या है, एक कहानी है। ये जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, इन्होंने अपने जीवन में 3 कहानियाँ लिखी हैं। प्रथम है आपका बुद्धू का काटा, आपके ऑप्शंस दे देगा कि बुद्धू का काटा किसने लिखा था, 3-4 ऑप्शंस दे देगा। तो ये जो है सबसे पहले इन्होंने लिखा था बुद्धू का काटा, उसके बाद सुखमय जीवन, और उसने कहा था ये अपने जीवन में 3 ही कहानियाँ लिखी है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अब इसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। आपके सामने ऑप्शंस है ए अमृतसर, बी लुधियाना, सी जयपुर या डी लखनऊ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि अमृतसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दूसरा कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। आपके सामने ऑप्शंस है किरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह या महीप सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि वजीरा सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने तीसरा कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, यानी कि उसने कहा था कहानी किसने लिखा, कहानीकार इसका कौन है। आपके सामने ऑप्शंस है बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने चौथा, सॉरी पल्टन होगा, पल्टन का विदूषक कौन था। आपके सामने ऑप्शंस है ए हजारा सिंह, बी मुख्तार सिंह, सी वजीरा सिंह, डी कुलदीप सिंह। तो इसका जो 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि वजीरा सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने पांचवा कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। आपके सामने ऑप्शंस है ए मगर, बी मांझे, सी कटरा या डी तेलघटिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 5 का वो हो जाएगा आपको मांझे, कहाँ था, मांझे गांव था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने छठा कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो फ्रांसीसियों के साथ या तुर्कों के साथ या अंग्रेज़ों के साथ या जर्मनियों के साथ। तो भारतीय सिपाही को जो है उस समय जो है ये लोग बर्मा में जो युद्ध कर रहे थे तो जर्मनी के साथ में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7वां, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। आपके सामने ऑप्शन से ए 77, बी 105, सी 1805 या डी 72। तो 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि 77। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 8वां कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। आपके सामने ऑप्शन से ए बोधा सिंह, बी महा सिंह, सी किरत सिंह या डी जगधारी सिंह। तो 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बोधा सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। आपके सामने ऑप्शन है सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने या वजीरा ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि लहना सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 10वां कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। आपके सामने ऑप्शंस है संजलपुर में या अलावलपुर में या जलालपुर में या लायलपुर में। तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको लायलपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 11 कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। वही रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 77। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 12 कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। आपके सामने ऑप्शन है ए फतेहपुर, बी गुलेर या सी मनेर या गहमर। तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि गुलेर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 13, गुलेरी जी का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, इससे पहले हमने बताए थे। तो इसका आपके सामने ऑप्शंस है हरियाणा में, जयपुर राजस्थान में, कांगड़ा हिमाचल मध्य प्रदेश में या डी गुजरात में। तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि जयपुर राजस्थान में गुलेरी जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 14, सुखमय जीवन किसकी रचना, अभी हमने बताए थे ना। तो ये जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का रचना है, इन्होंने अपने जीवन में 3 को लिखा था ना। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 15
उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? आपके सामने ऑप्शन है 1913 में, 1912 में, 1915 में या 1900 ईस्वी में। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 16 की कछुआ धर्म किसकी कृति है? कहते हैं ये कछुआ धर्म किसकी कृति है, तो आपके सामने ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र की, या बालकृष्ण भट्ट की, या रामचंद्र शुक्ल की, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। तो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 की सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? आपके सामने ऑप्शन है संजलपुर में, वही रिपीट क्वेश्चन है। अच्छा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लायलपुर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 18 की पुरानी हिंदी रचना है क्या है? रामचंद्र शुक्ल की, या हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या नामवर सिंह की, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 कि कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? कहते इनमें से कौन सा निबंध है जो गुलेरी जी नहीं लिखे हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है देवाना प्रिय, मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी, या मोरसी मोही कुठाव। तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, मजदूरी तथा और प्रेम। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 20, बोधा कौन था? तो आपके सामने ऑप्शन है हजारा सिंह का भाई, लहना सिंह का भाई, वजीरा सिंह का भाई, या सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो आपके सामने ऑप्शंस है जूठन, रोज, या उसने कहा था, या त्रिच। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 21 का वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि उसने कहा था। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो आपके सामने ऑप्शंस है सुखमय जीवन, बुद्धू का कोटा, या उसने कहा था, या कफन। तो कहते हैं इसमें कि कौन सा कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 22 का वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि कफन ये नहीं लिखा है, बाकी सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखे हैं, बुद्धू का काटा ये भी लिखा है, और उसने कहा था, ये तीनों कहानियाँ इन्होंने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 23 की चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है ये किस युग के कहानीकार है? तो आपके सामने ऑप्शन है द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद्र युग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 23 का वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि द्विवेदी युग। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 24 की कुड़ाई का क्या अर्थ होता है, या कुड़माई का क्या अर्थ होता है? वही आपके सामने ऑप्शन है मंगनी, या विवाह, या कड़वी बात, या दहेज। तो 24 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि मंगनी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 25 कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? आपके सामने ऑप्शन से ए दो भागों में, बी तीन भागों में, सी चार भागों में, या डी पांच भागों में। तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि पांच भागों में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 26 उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1915 में, 1920 में, 1922 में, या 1925 में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 26 का वो हो जाएगा आपको 1915 ईस्वी में, यानी कि उसने कहा था ये जो कहानी लिखा गया था वो 1915 ईस्वी में लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 27 कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? आपके सामने ऑप्शंस है 7 जुलाई 1882 में, 8 जुलाई 1883 में, 7 जुलाई 1883 में, या 8 जुलाई 1890 में। तो 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 28 कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? कहते कि लहना सिंह किस कहानी में है, सुखमय जीवन में, या जूठन में, या त्रिच में, या उसने कहा था? तो ये स्वाभाविक है कि ये उसने कहा था, उसमें लहना सिंह जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 29 कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, यानी कि कहते हैं कि उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है। तो आपके सामने ऑप्शंस है चरित्र प्रधान, या कर्म प्रधान, या धर्म प्रधान, या भाव प्रधान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 29 का वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि कर्म प्रधान है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 30 कि पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो आपके सामने ऑप्शंस है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, या रामचंद्र शुक्ल की। तो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 31 की लहना सिंह किस पद पर था? तो आपके सामने ऑप्शन है सूबेदार के पद पर, लेफ्टिनेंट के पद पर, या जमादार के पद पर, या मेजर के पद पर।
31 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि जमादार के पद पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 32 कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। आपके सामने ऑप्शंस है, तेरा नाम क्या है, या तू कहाँ रहती है, या तेरी कुड़माई हो गई, या तेरी शादी हो गई। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि वो बार बार कहते थे तेरी कुड़माई हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर चले जाने को कहा था। तो इसके आपके सामने ऑप्शंस है 15, ए 15, बी 10, या सी 5, या डी 20। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 20, 10 आदमी को बोला था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 34, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, कौन रहते थे या कौन थे। तो आपके सामने ऑप्शंस है भाई, मित्र, मामा या चाचा। तो अमृतसर में जो है ये लहना सिंह का ये मामा रहते थे, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 55 कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा था, किसे भेजा था। तो आपके सामने ऑप्शंस है वजीरा सिंह को, बी बोधा सिंह को, सी किरत सिंह को, या अतर सिंह को। तो इसका जो 35 का करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि वजीरा सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे मदद मांगी थी, किससे कहा था। तो आपके सामने ऑप्शंस है ए वजीरा सिंह, बी लहना सिंह, सी किरत सिंह, या इनमें से कोई नहीं। 36 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि लहना सिंह को कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आपके सामने 37 कि लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था। आपके सामने ऑप्शन से ए हजारी पर सिंह, या किरत सिंह, या वजीरा सिंह, या अतर सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि वजीरा सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न है लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। आपके सामने ऑप्शन से ए चंडीगढ़, बी अमृतसर, सी लुधियाना, या डी जयपुर। तो 38 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि अमृतसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है आपका कि किरत सिंह कौन था। तो आपके सामने ऑप्शन है लहना सिंह का चाचा, लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह का भाई, या लहना सिंह का मित्र। तो मेरे साथियों इसका आंसर हम बिल्कुल नहीं बताने वाले हैं, आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।